इस तरह की यात्राओं के बहुत फ़ायदे हैं। देखिए, तेज़ हवाएं चली तो पेड़ से खजूरें गिरी और हमने चुग ली हैं, और चलते हुए ले रहे हैं आनंद खजूरों के खाने का। और आप देखिए, फिर से हम पश्चिमी यमुना नहर के किनारे आ चुके हैं, और जिस तरफ से हम आए थे अब दूसरी तरफ हैं। अब हम गाँव की तरफ हैं, सांतड़ी बुढ़ेड़ी गाँव की तरफ। और देखिए, ये जो रास्ता है, जिस रास्ते से हम आपको जो रास्ता दिखा रहे हैं, ये रास्ता कभी गांव सांतड़ी बुढ़ेड़ी, गांव छप्पुर, जैनपुर, कहरबा के गांव के लोगों के लिए आने जाने का एक मुख्य रास्ता था। लेकिन आज इस रास्ते की दशा बहुत दयनीय है। आप देखिए, इस पे घास उगाया है, लोगों ने ये रास्ता छोड़ दिया है। इस रास्ते पे सांतड़ी से लेकर गांव कहरबा के बीच में बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं और अतिक्रमण भी हो चुका है। और देखिए, कांग्रेस घास जो है वो पांव पसार रही है और झाड़ झंखाड़ उगाए हैं। आगे आने वाले सफ़र में हम आपको इस रास्ते की और हालत भी बयां करेंगे। आप जुड़े रहिए। हमारे इलाके में खेतों की सिंचाई की जो व्यवस्था थी, इस पश्चिमी यमुना नहर पर निर्भर करती थी। इस नहर से बहुत सारे नाले, बहुत सारी खलासियां निकली हुई थी, और ये सांतड़ी और बुढ़ेड़ी के बीच में भी यहाँ पे एक ये जो एरिया है पेड़ों के बीच में, ये नाले का एरिया है। यहाँ से नाला निकला हुआ था एक, जो खेतों की सिंचाई करते हुए आगे बढ़ता था। चूँकि अब ट्यूबवेल और समर्सिबल लग चुके हैं, किसानों को इनकी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती है, और इसीलिए ये जो पुरानी खलासियाँ और नाले हैं वो उदासीनता का शिकार हैं। आप देखिए इसकी हालत, इसमें सारे झाड़ झंखाड़ खड़े हुए हैं। ये सिंचाई विभाग और वन विभाग के क्षेत्र में आता होगा। और आप देखिए, इसके दोनों तरफ पेड़ भी हैं, लेकिन इस नाले की हालत बहुत ही दयनीय हो चुकी है, ये लगभग मृत प्राय है। और दूसरी एक समस्या की तरफ हमने पहले भी ध्यान दिलाया था कि आग लगने की जो समस्या है, गर्मियों में आग लगने की घटनाएं खूब प्राकृतिक तौर पे भी होती हैं और लोगों की गलतियों से भी होती हैं। कई बार लोग बीड़ी पी करके चलते हुए उसका जो टोटा है वो ऐसे ही डाल देते हैं जला हुआ, और उससे आग पकड़ लेती हैं। और भी अनेक कारण हो सकते हैं आग लगने के, लोगों के द्वारा आग लगाई भी जाती है। यहाँ जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये आग से झुलसा हुआ क्षेत्र है। ये पूरा ये सारे जो सरकंडा है, घास है, पेड़ हैं, नीचे से बुरी तरह से जले हुए हैं। और यात्रा ये जो है सांतड़ी और बुढ़ेड़ी के बीच में पहुंच चुकी है। ये सामने बुढ़ेड़ी गांव आप देख पा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे नज़ारे हैं जो पैदल यात्रा में बहुत करीब से देखने को मिलते हैं। ये दृश्य बहुत, जो दृश्य आप देख पा रहे होंगे दूर से शायद नज़र ना आए, ये मछली पकड़ी जा रही है किनारे पे बैठ करके। ये नज़ारे पहले खूब देखने को मिलते थे, अब इस तरीके के नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। और एक वजह ये भी है कि हम जो प्राकृतिक दृश्य हैं उनसे बहुत दूर अपने घरों तक सिमट करके रह गए हैं, और जो चलते हैं हम तो मोटरसाइकिलों और कारों से चलते हैं, तब भी हम इन सारी चीज़ों को देखने से वंचित हो जाते हैं। हमें लगता है कि पैदल यात्रा हमारी मिट्टी से, हमारी प्रकृति से जुड़ने का हमें एक हसीन मौका उपलब्ध करवाती है। और ऐसा ही मौका लेने के लिए
हम चल रहे हैं पश्चिमी यमुना नहर की पटड़ी पटड़ी, अपने इंद्री में अपने घर की तरफ बढ़े जा रहे हैं। और आप देखिए खेतों का नज़ारा और ये नहर, जो ये जो जिस पटड़ी से हम चल रहे हैं, इस पटड़ी की वर्षों पहले हमारे बाल्यावस्था की बात करें तो इसकी खूब देखरेख की जाती थी। इस पटड़ी पे तिपहिया चौपहिया वाहनों के चलने की पाबंदी थी। इस पटड़ी पे पशुओं के आने पे भी प्रतिबंध था, क्योंकि पशुओं के खुरों से इस पटड़ी को नुकसान पहुंचता था। इस पटड़ी पे सिंचाई विभाग के कर्मचारी मजदूर हमेशा मरम्मत में लगे रहते थे, देखरेख करते थे, वन विभाग के दारोगा पहरा दिया करते थे, जंगल की रक्षा किया करते थे और नहर की रक्षा किया करते थे और इस पटड़ी, इस रास्ते की रक्षा और मरम्मत आदि में व्यस्त रहते थे। ये आज इतिहास की बात हो चुकी है। इस पटड़ी की हालत आप देख ही पा रहे हैं। अब यहाँ से कुछ ही लोग गुजरते होंगे। हमने पक्के रास्ते बनाए लेकिन पुराने रास्ते छोड़ दिए। शायद ये बहुत घनघोर उपेक्षा है हमारे जीवन में, जो घर किए हुए है, प्रकृति से हम दूर होते जा रहे हैं और मारामारी, पैसे की मारामारी ही शायद कारण है कि आग लगती है तो लोग ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं। आप देखिए ये झुलसी हुई झाड़ छंखाड़, इसी झाड़ियों में बहुत सारे पक्षी रहते होंगे, उनका आशियाना हमने उजाड़ दिया है। दिखाना एक बार, जो पकड़ रखी अच्छा 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 देख सर, वाह जी वाह, शुक्रिया जी। ये गांव बुढ़ेड़ी का बंधा है और आप देखिए कि इस बंधे पे बिल्कुल पटड़ी के साथ में कूप और बिटोड़े बने हुए हैं। पैदल यात्रा में बढ़ते कदम नहर के साथ साथ ये चिड़ियों
की कतारें। इस यात्रा की एक और उपलब्धि, बहुत तरह के पक्षी हमें देखने को मिल रहे हैं। जो पक्षी देखे हुए बहुत दिन बीत गए, वो पक्षी हमें इस यात्रा में दिखाई दे रहे हैं। और उनका कलरव गान वो भी सुनाई दे रहा है। इस पटड़ी के दोनों ओर पेड़ थे, इस पटड़ी के दोनों ओर जंगल था। एक ओर नहर के चौड़ाकरण ने उस जंगल को उजाड़ दिया, और दूसरी ओर भी यहाँ पे जो पता चला था कि वन विभाग के द्वारा कैंपेन चलाया गया, जिसमें छोटे छोटे पेड़ तक भी काट दिए गए, इनकम जनरेशन के लिए शायद ऐसा हुआ, लेकिन छोटे पेड़ों को काटने का कोई तुक नहीं बनता। लेकिन फिर भी इस तरह के निर्णय आम तौर पे ही किए जाते हैं। और हमारे इस क्षेत्र की एक जो दिक्कत है कि यहाँ लोग कम ही बोलते हैं, अपने सवालों को लेकर के कम ही मुखर होते हैं। यहाँ की जो प्रवृत्ति है लोगों की, वो नेताओं का साथ देने की होती है, नेताओं से जवाब तलब करने की कभी कोई प्रवृत्ति यहाँ देखने को नहीं मिलती कि वो पूछें कि इस प्राकृतिक धरोहर को नुकसान क्यों पहुँचा। आप देखते रहिए, ये सवाल, बहुत सारे सवाल हैं इस यात्रा में जो मुखर हो करके हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सवालों का क्या होगा, ये सवाल क्या किसी उपयुक्त मंच पे पहुँचेंगे लोगों की एकजुटता के द्वारा, ऐसा कुछ जान नहीं पड़ता। ये पहाड़ी किक्कर है, और हम बुढ़ेड़ी से अब फूसगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं, और सामने हमारे, बिल्कुल सामने हमें दिखाई दे रहा है इंद्री का पुल। और ये 12-13 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा सार्थक की पहली लंबी यात्रा होगी, और ये यात्रा सीखने से भरपूर है। बहुत सारी बातें सार्थक को सीखने को मिल रही हैं। सार्थक, क्या आप बताओगे कि हमें क्या क्या चीज़ें आप देख पा रहे हो जो पहले आप नहीं देख पाए? मैं पहली बार तो मैंने देखा कि कुछ लोग मछलियां पकड़ रहे हैं, वो मैंने पहली बार देखा। और कुछ पौधे हैं ऐसे जो मैंने कभी नहीं देखे, वो मुझे आज देखने को मिले। और जनजीवन का, और क्या चीज आप पहली बार देख रहे हैं? और कुछ मुझे पक्षी देखने को मिले जो मैंने आज तक कभी नहीं देखे थे, लेकिन आज देखने को मिले मुझे। खेती बाड़ी में कोई चीज, नई चीज आपको देखने को मिली, जैसे दाल उगी हुई थी उड़द की? हाँ, दाल लगी हुई थी, वो मैंने पहली बार देखी खेत में। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि उड़द की दाल भी उग सकती है क्या। आप क्या मानते थे वो कहाँ होती है? मैं सोचता था कि वो कहीं से बन के आती है। अच्छा अच्छा अच्छा।
गांव और शहर के जीवन में ये अंतर है, ये हैरानी की बात सार्थक के लिए थी कि दाल ऐसे उगती है, ऐसे फली होती है उसकी दाल की। ये गुलबांस का फूल है और ये खूब हुआ करता था, अब तो सिर्फ गाजर घास का फूल यहाँ पे खिला हुआ है। अब सवाल तो बहुत सारे हैं कि इस पटड़ी के साथ साथ पहले जैसा जंगल क्यों नहीं उगाया जा सकता। पेड़ों की कटाई कब तक चलती रहेगी? देखिए, पेड़ काटे गए हैं लेकिन पेड़ लगाए नहीं गए हैं। सवाल है, बड़ा सवाल है। कुछ पेड़ बचे हुए हैं, सुखद है ये कि कुछ पेड़ बचे हुए हैं। ये पीपल का घना पेड़, ये जामुन का पेड़, इन पे निशान लगे हुए हैं, वन विभाग के नंबर लगे हुए हैं। और पेड़ कब लगाए जाएंगे? इसी नहर के किनारे पे पेड़ भी लगाए जा सकते हैं, संभवतः फूल भी लगाए जा सकते हैं। जो कांग्रेस गाजर घास के फूल यहाँ उग सकते हैं तो और फूल भी उग सकते हैं। प्रयासों की ज़रूरत है। देखते रहिए, जुड़े रहिए पश्चिमी यमुना नहर का किनारा। पश्चिमी यमुना नहर उत्तरी हरियाणा की जीवन रेखा कही जाती है और इसने जीवन रेखा की भूमिका निभाई है। इस इलाके का जो जल स्तर है वो अभी भी ठीक ठाक अवस्था में है। बचपन की याद करें तो इसके आसपास जमीन की ऊपरी परत हाथ से उतार करके पानी ले सकते थे। आज ऐसा तो नहीं रहा, इसके आसपास भी समर्सिबल लगे हुए हैं लेकिन फिर भी यहाँ का जलस्तर ठीक ठाक हालत में बचा हुआ है। जुड़े रहिए। देखिए, आज भी लकड़ियों के लिए, चूल्हा जलाने के लिए मारामारी रहती है और महिलाओं को जंगल से इधर उधर से लकड़ियां लेकर के आनी होती हैं ताकि चूल्हा जलाया जा सके, परिवार के लिए खाना बन सके। ये फूसगढ़ के पास राधा स्वामी सत्संग भवन और आप देखिए बिल्कुल सामने नहर के किनारे पे मछुआरे मछलियां पकड़ रहे हैं। नमस्कार जी, ठुआना के जी। Thank you.
पास ये जो हमारा एक तरह से आखिरी पड़ाव है यात्रा का, और आप देखिए जो ये जगह है जहां हम पहुंचे हैं इंद्री के पास, यहां पे नहरों का जाल है, पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर से यहां से ये जो पुल बना हुआ है, जिस पुल पे हम खड़े हैं, ये पुल और ये जो नहर निकल रही है, ये नहर, इसको क्लोजअप दिखाइए सार्थक, ये नहर जो है ये सिरसा ब्रांच नहर बोलती है। पश्चिमी यमुना नहर का जो ये जगह है, ये नहरों के, यहाँ से नहरों और नालों के निकलने की जगह है। यहाँ से निकली हुई जो नहर है ये सिरसा तक जाती है और बहुत बड़े क्षेत्र को ये सींचती है, और जहाँ जहाँ से गुजरती है जब इसमें पानी होता है भरपूर, तो ये उस जगह के जलस्तर को भी बहुत सकारात्मक ढंग से प्रभावित करती है। और आप देखेंगे कि ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये एरिया ये सिरसा ब्रांच नहर, और यहाँ से ये निकली है, आप देखिए ये किस तरह से यहाँ पानी रोकने के लिए, पानी चलाने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है, यहाँ से पानी रोका जा सकता है और चलाया जा सकता है। ये हरियाणा सिंचाई विभाग परिमंडल सतलुज यमुना लिंक परिमंडल अंबाला, अंबाला मंडल जल सेवाएं मंडल कुरुक्षेत्र, उपमंडल जल सेवाएं उपमंडल ज्योतिसर, नहर सिरसा ब्रांच, और इसकी लंबाई 88,588 फीट लंबाई है, और FSD 8.40 फुट, क्षमता इसकी 3400 क्यूसिक पानी की क्षमता ये लिए हुए है, ये सिरसा ब्रांच नहर। और आप देखिए कि ये कभी जो पटड़ी थी, वो पटड़ी इस जो पुरानी इमारत है, पुराना भवन है, इसके उस तरफ से पटड़ी निकलती थी, और अब पटड़ी जो रास्ता है, कच्चा रास्ता, वो इसके इस तरफ से निकलता है। और देखिए आप, ये पुरानी बिल्डिंग है और बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, आप देखिए ये, अब इसमें गंदगी का साम्राज्य है। और कमरे वीडियो बच्चे उत्सुकता से पूछ रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। और चूंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से और भी नहरें फूटती हैं, बिल्कुल उस तरफ, दूसरी तरफ ये एक खलासी निकलती है जो आगे के एरिया को सींचती थी, अब ये प्रायः बंद रहती है। और एक ये जो है, इस यहाँ से एक नाला ये निकलता है, ये इसे हम पहले राक्षी नाला कहते थे, अब बोर्ड बताएगा कि इस पे क्या नाम लिखा हुआ है। जब नहर में पानी खूब मात्रा में होता है तो इस हाँ, ये आप देखिए इसका जो, इसकी जो क्षमता है 486 क्यूसिक क्षमता है। नहर का अंदरूनी भाग कच्चा है और चौतंग फीडर इसे कहा जाता है, और कुल लंबाई इसकी 34,750 फुट लंबाई है, और ये परिमंडल इसका यमुना जल सेवाएं परिमंडल करनाल पड़ता है। ये बोर्ड लगा हुआ है, आप देखिए ये चौतंग फीडर इसे कहें या राक्षी नाला कहें ये, और ये सिंचाई विभाग की पुरानी बिल्डिंग है जो इस समय जर्जर अवस्था में है,
यहाँ अंदर गंदगी का साम्राज्य है और ये सिंचाई विभाग के ये यहाँ क्वार्टर हैं सिंचाई विभाग के बने हुए। अभी कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ पे कोई रहता है या नहीं रहता। ये जो बिल्डिंग है इससे उस तरफ पटड़ी हुआ करती थी क्योंकि नहर चौड़ी की गई है। तो हम आपको दिखा रहे हैं ये इंद्री के बिल्कुल साथ, इंद्री पश्चिमी यमुना नहर के पुल के पास जो सिंचाई विभाग का जो कार्यालय है। और ये जो पूरा एरिया है, ये पुराना पुल यहाँ से ख़त्म कर दिया गया, नया पुल बना दिया गया, इसके आगे भी एक पुल बनाया गया है। और ये कार्यालय है सिंचाई विभाग का, पुराना कार्यालय, बिल्डिंग पुरानी है काफ़ी। यहाँ कितने कर्मचारी हैं इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कार्यालय आपको हम दिखा रहे हैं। और एक यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, वो बोर्ड भी हमें कुछ जानकारी देगा। हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट, सर्कल यमुना वाटर सर्विस, सर्कल करनाल, डिवीज़न करनाल वाटर सर्विस, डिवीज़न करनाल, सब डिवीज़न करनाल, चैनल WJC यानी कि वेस्ट यमुना कैनाल मेन ब्रांच। टोटल लेंथ इसकी है 154,500 फीट। और आप देखिए पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल रही है। ये हम इंद्री पहुँच चुके हैं अपनी पैदल यात्रा में। और ये तार घर सिंचाई विभाग का, हम यहाँ पे जा करके पता कर सकते हैं कि यहाँ क्या कितने कर्मचारी हैं आदि आदि।